हेलो एवरीवन दिस इज योर मास्टर टीचर गुप्ता फ्रॉम एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है वेलकम टू टुडे सेशन जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपने सोशल स्टडीज के एग्जाम में ट्वेंटी मार्क्स सिर्फ पांच टॉपिक्स पढ़ के ला सकते हो कैसे होगा ये राइट कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं आपके बहुत ज्यादा जरूरी है Now, before we start the session, काफी बच्चों ने पूछा लास्ट टाइम मैंने आई यू रेडी फॉरेंज बी को देखा और काफी एक्साइट हो गए करेंगे तो बच्चों हफ्ते से ये चैलेंज शुरू होगा तो डरने की कोई बात नहीं है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर चैनल क्योंकि आप मिस नहीं करना चाहते हो ठीक है सो लेट एस बिगिन हिस्ट्री के तीन चैप्टर है जो फाइनल एग्जाम्स में आएंगे बाकी जो दो चैप्टर्स हैं वो मिड टर्म्स में आए थे अभी जो स्कूल टेस्ट होते हैं उसमें आएंगे, बट फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएंगे जो तीनों वीडियोज़ हैं तीनों चैप्टर्स है उसका फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है तो अगर आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो आप इन वीडियोज़ के थ्रू उस चैप्टर का रिविजन कर सकते हो ठीक है तो आज मैं मिनिमम आपको यू नो टू से फाइव टॉपिक्स बताऊंगी फ्रॉम ईच चैप्टर जो जहां से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना है पहले हम बात करते हैं फ्रेंच रेवल्यूशन तो फ्रेंच रेवल्यूशन में बच्चों देखो पहले तो कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी एम ट्रेजरी थी ओल्ड रेजीम था ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट सेकेंड ग्रोइंग मिडिल क्लास में काफी क्वेश्चन आता है कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी वो एंड ऑफ रिविलिज़स क्यों करना चाहती थी जो मिडिल क्लास थी उसके क्या सपने थे वाई वॉज इट अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी एड मोनार्की है ना तीसरा जैकोबिन क्लब पे क्वेश्चन आता है कि कौन था जैकोबिन क्लब कौन उसके लीडर्स थे क्या मेजर्स उन्होंने लिए डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पे थ्री मार्कर क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड राइट पांचवा है फीचर्स ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है राइट right? अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन यहां पर अगर मुझे पांच पॉइंट्स ढूंढने पड़े तो पहला तो देखो कॉसेस ऑफ

से पूछा गया है कि किसने लीड किया ये मूवमेंट है ना ये रेवोल्यूशन क्या इंपैक्ट था इसका कौन लीडर था यू नो क्या कॉज था ये सब के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या हुआ था फेबररी में और अक्टूबर में अप्रैल थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है रेडिकल्स कौन थे और लिबरल्स कौन थे सोशलिस्ट कौन थे उनकी क्या थ्योरी थी इस पर क्वेश्चन आता है एंड फाइनल स्टैलेंस पॉलिसी ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ये पांच टॉपिक्स इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग भी है मेरे हिसाब से अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे अब हम आते हैं नाजिजम एंड राइज ऑफ हिटलर तो यहाँ पर तो देखो पहले इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी क्योंकि वहीं से कहानी होती है शुरू जर्मनी की तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट टर्म्स क्या थे कंडीशन क्या थे डिस्ट्रक्शन डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रॉय किया हिटलर ने वो फायर डिग्री आर्टिकल जो निकाला था हिटलर ने जो मैं भूल क्यों रही हूँ है ना ऑल ऑफ दैट रेशियल सेग्रीगेशन एंड फॉरेन पॉलिसी बाय हिटलर तो हिटलर की खुद की फॉरेन पॉलिसी वो है एंड रोल ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो गाइज़ अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको बस जानना है कि यार कौन सा पार्ट मैं रिवाइज करूँ या कौन से पार्ट को करूँ बाकी छोड़ दूँ क्योंकि टाइम नहीं है तो ये पाँच टॉपिक्स हर एक चैप्टर से जो मैंने बताए हैं अगर आप वो करते हो तो नो मैटर वॉट आप यू नो आपको स्मार्ट पढ़ाई अगर आप ऐसे करोगे तो बीस मार्क्स आपके पक्के होंगे अब इस चैनल पर रिविजन सीरीज शुरू होने वाला है तो मेक श्योर दैट यू यू नो सब्सक्राइब टू द चैनल जिससे रिविजन एक भी ना रह जाए वन शॉर्ट सीरीज शुरू होने वाला है जहाँ हर चैप्टर को शॉर्ट में भी पढ़ा जाए पढ़ाया जाएगा कुछ भी मिस ना हो जाए तो वीडियो को अप दे दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बाय बाय